अभी चले जाओ, इतना मन कर रहा है तो। गुना हेलो 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 रानू, एक्चुअली ना वो कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस है, सुनो ना मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ओके बाय। क्या हरकत है? क्या हरकत? मैंने क्या हरकत कर दी? तुम्हें पता है कि मैं फोन पे बात कर रही हूँ, क्या जरूरत है ये फालतू के कमेंट्स देने की? फालतू के कमेंट्स? मैं तो कायदे की बात कर रहा था। हाँ ये कायदे की बात है, ये बिल्कुल वाहियात बात है। तुम्हें पता भी है कि मैं किससे बात कर रही थी? किससे? कौन है ये? ब्रिटेन के पीएम है क्या? जी आपको पता नहीं है कौन है? बहुत बड़ी शख्सियत है ये। कौन है ये? तोप? ये तोप ही है, रणविजय सिंह, प्रिंस रणविजय सिंह, द रॉयल फैमिली ऑफ बबराला के चश्मो चिराग। और तुम्हें पता है आजकल ना पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई है, एक पैलेस लिया है उन्होंने। ये है कौन रणविजय? उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है? हाँ है जानकारी, और तुम्हें जानकर थोड़ी शायद जलन भी होगी कि मुझे ना प्रपोजल आया था प्रिंस रणविजय सिंह का फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ बबराला। हाँ लेकिन अफसोस उस वक्त तो मेरी जिंदगी में आ गए थे और इतना अच्छा प्रपोजल मेरे हाथ से फिसल गया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हमका छेड़ जाए उसे कहो कभी सामने तो आए। भाभी जी हम तो हकीकत से सालों से मुसलसल आपको छेड़ रहे हैं लेकिन आप तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रही हैं। हाय दिया, अका बोले मन का भाभी जी कैसी हैं आप? हम एकदम ठीक बा, आप कैसे बा? चकाचक भाभी जी। अबरबुती जी हम ना आपको एक बात बताना चाहते हैं। Really भाभी जी? I'm all ears and all yours. अका है कि हम ना एक सपना देखे। क्या हम एक हो गए? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी ना ये सपने में क्या देखा आपने? आइडिया। Really? हम का देखे कि लड्डू के भैया ना रजवाड़े खानदान से हैं। माफ कीजिएगा, आपके लड्डू के भैया रजवाड़े खानदान से नहीं बल्कि फर्जी वाले खानदान से लगते हैं। ऐसे का है बोलते हैं उनके बारे में? Look at this guy, शक्ल देखिए उस आदमी की। ये आदमी किस एंगल से आपको रजवाड़े खानदान का लगता है बताइए मुझे। किस एंगल से रजवाड़े खानदान के नहीं लगते हैं? रजवाड़े खानदान के लोगों के दो सर और चार हाथ होते हैं क्या? एक्सक्यूज मी, दो सर चार हाथ की बातें कर रहा हूँ, रजवाड़े खानदान के जो लोग होते हैं उनमें एक अदा होती है, क्लास होता है। तो अब जैसे मतलब गुलफाम कली की भी एक अदा है तो वो भी क्या किसी रजवाड़े खानदान की राजकुमारी है? मैं गुलफाम कली की अदा, रजवाड़े खानदान के लोगों में अपनी एक अदा होती है। अब भाई दे, ये क्यों बकवास कर रहे हैं आप? बकवास हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? भाभी जी के टुकड़ों पर पलने वाले रजवाड़े खानदानों की बात कर रहे हैं? अरे जी पजामे में रहिए। अरे पजामे से बाहर हम निकल रहे हैं कि आप निकल रहे हैं? अब बस कीजिए, काहे बात बात पर झगड़ा शुरू कर देते और आप काहे उनके पीछे पड़े रहते हैं? भाभी जी आप इस आदमी की तुलना रजवाड़े खानदान से कर रही थी। ऐसे लोग रजवाड़े खानदान के जो घुड़साल होते हैं उनके घोड़ों की लीदे उठाते हैं और आप जैसे चिकने लौंडे रजवाड़े खानदान के राजाओं के अय्याशगाह में किस काम आते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। भैया ये कौन से रजवाड़े की बात चल रही है? हाँ देखिए इन लोगों की बातों में ना आई पड़ी है। हाँ ये तो हमेशा ही झगड़ते रहते हैं। आप लोग बताइए कैसे बा? भाभी जी अब पूछो मत ना। मुठी कर। भाभी जी हालत बड़ी खराब चल रही, खाने पीने के लाले पड़ गए आगे। भैया 500 रुपया दे दो कैश। मेरे पास नहीं है बे। दे दो ना सेठ जी। अबे नहीं बोल रहा हूँ ना बे। अरे मुझसे 500 रुपये उधार लिए थे अभी तक ना दिए, वही वापस दे दो। तो कौन से उधार लिए थे तुझसे मैंने पैसे? भूल गए? एक याद दिला इनको यार। भैया उस दिन साथ बैठ के जुआ नहीं खेल रहे थे का? याद आया? हाँ तो दे देंगे ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, दे देंगे, अभी नहीं हमारे पास। अरे भैया आपकी बात और कुत्ते चले बारात। क्या विभू का ताल्लुक एक रॉयल फैमिली से? जी हाँ, ये झिंगुरपुर रियासत के प्रिंस महाराजा नलेंद्र प्रताप सिंह। महाराज की जय हो। एक मिनट शांत हो जाइए, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, ये हो क्या रहा है?
जब स्वयं झिंगुरपुर रियासत के महामंत्री के बेटे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं तो शक और शुभा की कोई गुंजाइश बचती है क्या? ऑफ कोर्स बचती है गुंजाइश। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानती हूँ। पूरे खानदान में किसी ने आज तक शाही पनीर तो खाया नहीं, शाही खाक होगा। जिस खानदान को तुम जानती हो वो खानदान मेरा नहीं है। मतलब आहुति नारायण मेरे पिताजी नहीं है। तुम्हारी मम्मी? मेरी एक्चुअली मम्मी नहीं है, वो हमारी रियासत में एक काम करने वाली नौकरानी थी। नो वंडर। महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं रानी साहिबा, झिंगुरपुर रियासत पर अचानक से झिंगुरपुर रियासत के दुश्मनों ने हमला बोल दिया। महाराजा हगेंद्र प्रताप सिंह और महारानी बबीता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे नौकरानी की गोद में डाल दिया और खुद इंग्लैंड भाग लिए। माफ करना, अजीब महाराज थे, अपने अपने बच्चे को, अपने बच्चे को काम वाली के हाथ में सौंप कर चले गए इंग्लैंड। और ये पलट कर भी नहीं देखा कि उनका रॉयल बेटा ऐसा दो कौड़ी का हो गया है। क्यों यार इतनी बिटरनेस क्यों है, क्यों कड़वाहट है इतनी तुम्हारे अंदर यार? रायता क्यों फैला रही है? सुनो ना क्या बोल रहे हैं वो यार। Why don't you believe what he says? महाराज ये अनोखे लाल सक्सेना। हेलो। इनके पूर्वजों ने, दादा परदादाओं ने झिंगुरपुर रियासत की बहुत सेवा की है। अब ये आपकी सेवा करके उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। श्योर। मैं झिंगुरपुर महाराज के झिंगुर पकड़कर झूल जाऊंगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक मिनट शांत हो जाइए, मैं थोड़े चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। पहले बताइए कि हम झिंगुरपुर कब जाएंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंटली भाई, विभू का राज्याभिषेक भी तो होना चाहिए ना। जी रानी साहिबा, महाराज के राज्याभिषेक के पहले महाराज को एक क्रिया करनी होगी। नित्य क्रियाएं तो ये रोज करते हैं। हाँ, सप्ताह में कभी कभी एक आध बार इनको कब्जियत हो जाती है तो दूध में भूसी भर के पी लेते हैं और ठीक कर लेते हैं। अरे मैं नित्य क्रियाओं की बात नहीं कर रहा हूं। राज्याभिषेक से एक हफ्ते पहले महाराज को यह प्रमाण देना होगा कि ये रॉयल फैमिली से है। लेकिन ये क्यों प्रमाण देंगे? प्रमाण तो आप दे रहे हैं ना। प्रमाण से मेरा मतलब है ये रानी साहिबा कि एक हफ्ते तक महाराज को शक्ति प्रदर्शन करना होगा और एक हफ्ते तक इन्हें रॉयल लाइफ जीनी होगी। अखबार दो अखबार। पी लीजिए। कानपुर में खुल रहा है देश का सबसे बड़ा गार्डन। या गार्डन खुल रहा है? ये तो बहुत अच्छा बात है, एक ठो भी अच्छा गार्डन ही ना आई था। आप पर हम चलेंगे। हाँ हुआ। अब ये खुलने से टीका मलखान और टिल्ली जैसे छिछोरे लोगों की मौज हो जाएगी। एक भाभी पड़ोसी के संग रंगे हाथों पकड़ी गई। दिया। होता बगली ऐसा भी होता है। ऐसा होता है का? आहा। झिंगुरपुर रियासत के आखिरी चश्मो चिराग राजकुमार नलिंद्र सिंह का पता चला। राजकुमार नलिंद्र सिंह की हालत बहुत ही खस्ता, पैसे पैसे को मोहताज। झिंगुरपुर रियासत के महामंत्री घमंडी सिंह ने खोज निकाला झिंगुरपुर का राजकुमार। कानपुर की मार्डन कालिनी में जी रहे हैं एक आम जीवन। ये झिंगुरपुर रियासत का राजकुमार मार्डन कालिनी में, हमें पता ही नहीं। पगले क्या बात कर रहे हैं, हम भी ना ही सुने कि कौन प्रॉन्स यहाँ रहता है। प्रॉन्स ने प्रिंस होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। ये भी बोलती हो, अभी पता चल जाएगा। हम आगे पढ़ते हैं। झिंगुरपुर रियासत के ब्लू ब्लड राजकुमार नलेंद्र सिंह कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी में विभूति नारायण मिश्रा के नाम से रह रहे। हाय दिया, स्वयं महाराजा धीराज नल्ले सिंह जी पधारे हमारी कॉलोनी में। भाभी जी,
शुक्रिया, करम नवाजिश। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। भुइयां के महाराज हैं ये। ये शुक्रिया आप। भाइयों और बहनों और भाभियों, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, आज हमारे लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम झिंगुरपुर रियासत के रॉयल ब्लू ब्लड को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। तालियां। अब मैं महाराज नलेंद्र प्रताप सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी प्रजा से दो शब्द कहें। आज हमारी रियासत के जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सबको हमारा नमस्कार। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके बीच में मौजूद हैं। आओ, सब तो ठीक बा महाराज जी, लेकिन आप ऐसे काय काय बात कर रहे, अटक अटक क्या? क्या है ये, इतने बकवास कपड़े हैं, एक भी कपड़ा मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। क्या पहनूं मैं, समझ नहीं आ रहा है। इसमें प्रिंसेस लगूंगी मैं? अरे इधर आओ ना, इधर बैठो, पहले मेरी मदद करो। यार कुछ तो इज्जत करो, महाराजा हूँ यार। महाराजा ऑफ झिंगुरपुर, आइए ना, प्लीज मेरी मदद कीजिए। फरमाइए रानी साहिबा, हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी? महाराजा प्लीज बताए ना, मैं कौन सी पोशाक पहनूं? आप तो हमेशा पोशाक को लेकर कंफ्यूज ही रहती हैं। क्या बोल रहे हो? और ठीक से बोलो, मैं कंफ्यूज रहती हूँ पोशाक को लेकर। यार तुम्हारे पास कम से कम 200 ड्रेसेस होंगी, अभी पार्टी में जाना होता है, तुम सबको पहनती हो एक एक बार, और फिर तुम कंफ्यूज रहती हो कि कौन सी पहनूं कौन सा ना पहनूं। यार ये सब ड्रेसेस फालतू हैं, ये सब ये मैं कचरे के डब्बे में फेंकने वाली हूँ। यार ये ड्रेसेस अच्छी है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इन ड्रेसेस में मैं प्रिंसेस कैसे लगूंगी? मैं महारानी ऑफ झिंगुरपुर हूँ, ये मुझे शोभा नहीं देती अब। अभी तुमने जो ड्रेस पहन रखी है ना, ये भी बहुत कमाल है। तूने फिल्म देखी थी अलीबाबा 40 चोर? उसमें जो प्रिंसेस होती है वो ऐसी ड्रेसेस पहनती, फूली फूली ऐसी ड्रेसेस पहनती। इट्स नॉट फनी, मुझे नई ड्रेसेस खरीदनी है बस, एक दो इन सबको। देखो ड्रेसेस के बारे में छोड़ो, मुझे कुछ पैसे चाहिए, नीड सम मनी। अरे और पैसे चाहिए? हजारों का खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। अभी प्रोग्राम बाकी है, अभी मंदिर जाना है, भूखों को खाना खिलाना है, उसके बाद फिर दान धर्म का काम करना है, फिर दरबार लगेगा, फिर वो भूखे भी आएंगे, तब वो खोल के खड़े हो जाएंगे, उनके मुंह में कुछ ठूसना है। There's so much money required, you know? हाँ, लेकिन बेबी तुम बोल रही हो कि तुम रियासत झिंगुरपुर की महारानी बनने वाली, एंड देन यू विल बी रोलिंग इन मनी, बिग टाइम मनी। बिग टाइम मनी, पक्का ना? 100%, 100%। अच्छा तो बताओ कितने पैसे चाहिए? 10,000 पकड़ लो, 10,000 फॉर द टाइम बीइंग, देखते हैं आगे क्या करना। डोंट थिंक अबाउट, वी विल बी रोलिंग इन मनी। झिंगुरपुर रियासत अभी आई, अभी बहुत लालची है लेकिन खूबसूरत है, और हमारी बीवी है। भाभी जी घर पर हैं? हमने कहा भाभी जी घर पर हैं? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर मनमोहन तिवारी, आप महारानी झिंगुरपुर को इस तरह से आवाज नहीं दे सकते। आपने सुना नहीं हमने क्या कहा? क्षमा चाहेंगे भाभी जी, वो महारानी साहिबा, दरअसल हमसे भूल हो गई। गलती तो आपने की है तिवारी जी, और इसकी सजा भी आपको मिलेगी। आप जो सजा देना चाहें हमें दे सकती हैं भाभी जी, महारानी साहिबा। ठीक है, आपकी पहली गलती है इसलिए हमने आपको माफ किया।
थैंक यू महारानी झिंगुरी। भाभी महारानी साहिबा, ये क्या कर रहे हैं आप तिवारी जी? ये कहाँ बैठ रहे हैं? सोफे में बैठे हैं भाभी जी। माफ कीजिएगा मिस्टर मनमोहन तिवारी, अब आपको पता है कि हमारा ताल्लुक रॉयल फैमिली से है, इसलिए अब आपको हमारे सामने अदब से पेश आना चाहिए। भाभी जी, हम तो हमेशा आपके साथ अदब से ही पेश आते हैं, आप बेअदबी का मौका ही नहीं देती। अगर ऐसी बात है तो फिर आपको इस तरह से सोफे पे हमारे सामने नहीं बैठना चाहिए। प्लीज डोंट माइंड तिवारी जी, देखिए ये हमारी परंपराएं हैं और इन परंपराओं को हमें अब निभाना पड़ेगा। तो महारानी साहिब, आप सही है? आप खड़े क्यों हो गए? परंपराओं का पालन कर रहे हैं? नीचे बैठिए। मतलब खड़े रहने से काम नहीं चलेगा? मिस्टर मनमोहन तिवारी, अब आप हमारे हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे रानी साहिबा। आपकी गलती नहीं है मिस्टर मनमोहन तिवारी, दरअसल आपका कभी किसी रॉयल फैमिली से वास्ता नहीं रहा ना। हाँ भाभी जी, बाकी रॉयल फैमिली से वास्ता तो नहीं रहा। वैसे तिवारी जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी खुश नसीबी है कि आप हमारे जैसे रॉयल्टी के सामने इतने नजदीक बैठे हैं। क्या हुआ? अकाहे बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं पगली, तुम चुपचाप अपना वो गाना वाना सुनो या सो जाओ। का? हमने कहा सो जाओ या गाना सुनो। लड़के भैया काहे सेट लग रहे हैं? वो अपसेट होता है। सही पकड़े हैं, काहे उदास है? एक बात पूछे, हमारे दिमाग में घूम रहा है। तो पूछो ना। पार्वती जी का खून तो नीला खून है, आपका कौन सा खून है? ऐसे घूर काहे रहे हैं? वही तो पूछ रहे हैं कि पार्वती जी का नीला खून है, आपका कौन सा है? ऐसा है, ये बौड़मपने के सवालात बंद करो और चुपचाप सो जाओ, यहाँ हमारा मूड कुछ सही नहीं है। काय आपका मूड बकाय खराब है? हाँ, बल्कि आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, बहुत गर्व का बात है कि टर्माइल फैमिली के लोग हमारे पड़ोसी हैं। है तो वाकई टर्माइल खानदान से, लेकिन वो फिलहाल रॉयल होता है पगली, रॉयल। सही पकड़े हैं, राजसी खानदान के लोग हमारे पड़ोसी हैं। हाय दिया का बताए लिटके भैया, आज जब हम भरभूती जी को देखे ना, वो मुकुट लगाकर, वो राजा महाराजा के कपड़ों में, उसके बाद हाथ में तलवार, वो मोतियों का माला, हाय दिया का लग रहे थे, का लग रहे थे, हम तो उनको देखकर एकदम देखते ही रह गए। हाँ काहे कि ये सब राजा महाराजा को तो हम किसी कहानियों में ही सुने थे, पहली बार किसी महाराज को अपने सामने देखे। वो महाराजा नहीं है, वो महाराज है, महाराज खाना बनाने वाला महाराज। ऐसे काहे बोलते हैं आप? हाँ, और नलेंद्र सिंह जी के बारे में, झिंगरपुर रियासत के प्रॉन्स हैं वो। सही पकड़ी हो पगली, बिल्कुल सही पकड़ी है, वो झिंगुरपुर रियासत के झिंगुर हैं। तो जाओ टीपा लगा ले लो जब लिपस्टिक। आपकी मसरूफियत ने, आप भले, आपकी जनता भली, आपका दरबार भला, हमारी तो आपकी जिंदगी में कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें महारानी साहब, ऐसा ना कहें, हम आपसे बहुत शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, टूट के मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज से भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं। आपके मुंह पर सिर्फ यही नाम रहता है, आवाम आवाम आवाम। कम से कम रात को तो हमारा नाम लिया कीजिए। रानी साहिबा, आपका नाम हमारे दिल की दीवानों पे लिखा ही नहीं बल्कि गुदा हुआ है। Your name is tattooed on the walls of my heart. महाराज की जय हो।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपके दरबार में कुछ मजबूर लोग आए हैं जो कि आपकी दया के पात्र बनना चाहते हैं। महाराज, हम अभी आते हैं। जी जी महाराज। राजकुमार, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमें जाना होगा और अभी जाना होगा। दरोगा हप्पू सिंह को प्रणाम स्वीकार करो महाराज। दरबार में आ जाना। नहीं, वो तो हम समझ गए, आ जाएं। हमारी हमारे कहने को क्या मतलब है महाराज? हमें सरकार इतने पैसे ही न दे रही सोटर कि हमारा जीवन यापन हो जाए। हमारी नौ ठैये प्रेग्नेंट बीवी पल न पा रहे ढंग से। तो अब आप कही आपने सही बात। तो जो महाराज के हमारा मन न लग रहा हो जा ड्यूटी में, आप हमें अपनो अर्दली अपनो मतलब सिपाही रख लियो और तनखा ज्यादा ना चाहिए। 1,00,000 को महीना मिलेगा तो अभी चलेगा, हमारा खेल हो जाएगा, मतलब जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमारे सिपाही बनो। हमें तुम जैसे निछावर खोज सिपाही की जरूरत नहीं, हमें एक ईमानदार सिपाही की जरूरत है। तकिया आप हमें कह के देखते, हम तो दो दो तकिया लेके आते। हाँ, मूड ना है इनको आज। हाँ तो भाभी जी, जी हम कह रहे थे। हाँ बोलिए ना। महाराज की जय हो। प्रेम जी, आप कहाँ मर गए थे? हमारा कहने का मतलब है कि आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? महाराज, आपके दरबार की तैयारी कर रहा था महाराज। बेशक बेशक, अभी से कुछ ही देर बाद आपका दरबार सजा दिया जाएगा महाराज, और आपसे भूखे गरीब लोग आकर आपसे फरियाद करेंगे महाराज। आएंगे हम भी आपके दरबार में। आप जरूर आइए, और आपका आना तो बनता भी है क्योंकि हम आपको भूखा अरीब समझते हैं। अभी जी चलते हैं। महाराज की जय हो। दुनिया के महाराज, महाराज की जय हो। तुम्हें कोई कुछ भी बेच के चला जाता तुम तुरंत ही खरीद लेती हो। ओ महाराज ही तो है, उम्मीद का शक है। काहे के महाराज है? वो नल्ले है, नल्ले थे, नल्ले रहेंगे। हट! महाराज की सलाम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हेलो एवरीबॉडी, हम रॉयल ब्लू ब्लड छिंगूपुर रियासत आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ओके विभूति नारायण मिश्रा। मिस्टर रिपोर्टर, धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, हाँ, वरना महाराज के पर्दे फट जाएंगे कान के, हाँ? और कॉल हिम हिज हाइनेस। या हाइनेस क्या होता है लॉन्डो? भैया आप जैसे साइनस होते हो ना, वैसे ही हाइनेस होते है। पुनीम जी। जी हिज हाइनेस। हमारे दरबार में कुछ बदतमीज बदसौख लोग घुसाए, दरबार से बोल के इन्हें उठवा के बाहर फेंकवा दिया जाए। हाइनेस महाराज, मैं भी इन लोगों को देखता हूँ। देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग कहाँ बैठे हैं आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है, कृपया शांत रहें। कहाँ बैठे हैं? तिवारी जी, आपकी औकात नहीं है कि आप यहाँ बैठे। तो ऐसा कौन सा ताजमहल में बैठे? ये रॉयल पैलेस है, किसी ताजमहल से कम नहीं। ओके हिज हाइनेस। I told you to keep your volume down. Okay, okay. His Highness, कुछ दिनों पहले आप नल्ले थे और मैंने आपको जलील होते हुए भी देखा है। अरे यार, ये तो मेरा दोस्त है, इसे मैं हजार बार जलील कर चुका हूँ। हाँ, क्यों है ना विभूति? मुनीम जी, इस बदतमीज बदसौख जलील इंसान को इसी वक्त उठवा के हमारे दरबार से बाहर फेंकवा दिया जाए। चल उठ उठ भाग यहां से, भाग भाग भाग। अरे यार, लेकिन मैंने क्या किया है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? तुम इतने बड़े महाराज से बदतमीजी से पेश आ रहे हो।
अरे मास्टर, लेकिन ये मेरा दोस्त है। हाँ। ये तो हमारी उदारता है कि हमें अपने रियासत के हर चरिंदे परिंदे हर प्राणी से प्यार है, भले वो इंसान हो, उल्लू हो, गधा हो या कुत्ता हो। हमारे परदादा के परदादा के परदादा कुलेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें कुत्ते पालने का बड़ा शौक था। He was a dog lover. हमारे परदादा के परदादा के परदादा के पिताजी शशनेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें मालिश करवा के एक खुशनुमा अंत करवाने का बड़ा शौक था। हमारे परदादा के परदादा के चाचा जी चिलमेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें चिलम का बड़ा शौक था। ही वाज़ अ डगी। हमारे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के चाचा हसनेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें मुर्गियां पालने का बड़ा शौक था। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी, महाराज महाराज महाराज, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? मिलने आए भाभी जी से, और क्या कर रहे हैं? महाराज बेशक आप भाभी माँ से मिलने आए हैं, पर आप भूल रहे हैं कि अब आप एक आम आदमी नहीं हैं, आप रॉयल ब्लू ब्लड फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए महाराज आप जहां भी जाएं पूरी शानो शौकत से जाएं। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम यहाँ पर भाभी जी से मिलने हाथी पे बैठ के आए? नहीं महाराज, हाथी घोड़े की जरूरत नहीं है, लेकिन रॉयल ब्लू ब्लड फैमिली का एक नियम है महाराज कि जब भी उनकी आमद होती है तो उसके पहले उनकी आमद की अनाउंसमेंट उनका मुनीम करता है। ये नियम है। हाँ तो कीजिए, जो करना फटाफट कीजिए ना, डू इट। होशियार, खबरदार, नूर आफ्ताब, जनता का ख्वाब, हमारी कॉलोनी के महताब, झिंगुरपुर रियासत के चश्मो चराग। लंबी अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं आप? शॉर्टकट में बोलिए ना, कम टू द पॉइंट यार। महाराज ऐसा है कि आप रॉयल ब्लू ब्लड फैमिली से हैं, किसी टुच्ची फैमिली से नहीं है, इतनी मिनिमम अनाउंसमेंट तो करनी पड़ेगी, जरूरी है। करिए, जो कुछ करना जल्दी करिए, कम टू द पॉइंट। जी जी महाराज। होशियार, खबरदार, आफ्ताब का नूर, चश्मे बद्दूर, रियासते झिंगूर पूर, महाराज नरेंद्र प्रताप सिंह पधार रहे हैं। महाराज रॉयल ब्लू ब्लड फैमिली के थप्पड़ की बात ही अलग है। आई लाइक इट। अब आप दफा हो जाइए और 3-4 घंटे से पहले दिखेगा मत। जी महाराज। हाय दिया, ये कैसा सूट? क्या बात है, आइए आइए, अब बैठे ना। क्या बात है, हमसे मिलने के लिए रियल फैमिली के राजकुमार आए हैं। भाभी जी वो रॉयल फैमिली होता है। सही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।